वंशिका, ठीक है आ गए सब लोग फटाफट, क्लियर है ना, सही है ना, ओके। वंशिका, रजत, विपिन, दीपक, संध्या, कार्तिक, आरती पटेल, सभी बच्चे आ गए हैं। अब हम लोग सी, रजित राम, दीपक गोस्वामी, वंशिका विश्वकर्मा, सब बच्चे आ गए फटाफट से फटाफट से। सॉरी यार कल क्लास नहीं चल पाई एक्चुअली, है ना। संज्ञा सुमन, सतीश कुमार, अखिलेश पाल, कार्तिक सिंह, अदिति शर्मा, पीएम, सभी लोगों को बहुत सारा गुड इवनिंग, है ना। अंशिका यादव, वंदना यादव, सभी बच्चों का बहुत सारा वेलकम है ना। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कल क्लास नहीं चल पाई थी थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से, आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विपिन विश्वकर्मा, अनामिका तिवारी, वेरी गुड इवनिंग बेटा, है ना। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वंदना यादव, रजित राम, शुभम मौर्य, अंशिका यादव, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास फटाफट से, है ना। लास्ट वाली क्लास जहां हम लोगों ने स्टॉप करी थी, पारुल चौरसिया, राजकुमार उद्या सर, करंट अफेयर्स की क्लास कब से चलेगी बेटा? करंट अफेयर्स की क्लास थोड़े दिन रुक जाइए, 2 4 दिन रुक जाइए करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों की कंटिन्यू होगी, बहुत जल्द चलेगी, है ना। और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी करंट अफेयर्स की क्लास। हम बात करेंगे इस मुद्दे पर आप लोगों से, ठीक है ना। संज्ञा, पारुल, है ना, और क्या बोलते हैं, राम कुमार उपाध्याय, सभी बच्चों का बहुत सारा वेलकम है, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास का था कि विनी बॉट 2 न्यू ड्रेसेस बट इधर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने हमें दिया था, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन इसको डील भी कर लिया था। आपने बताया था कि सर जी यहाँ इधर के स्थान पर जो है वो निधर होना चाहिए, है ना। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में टैकल कर लिया था, अब हम लोगों को उसके आगे बढ़ना था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आंसर इसका ए बता दिया था, ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर आप लोगों ने ए बता दिया था, उसमें कुछ करना नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना था आज हम लोग को, है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। तो लिखा है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉर्न द गवर्नमेंट दैट इवन मेनी पीपल वर लाइकली टू डाई ऑफ एपिडेमिक दैट ऑफ द सुनामी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, सत्यम पाल, प्रतापगढ़। हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे सर जी? बेटा वही तो पढ़ा रहे ना आपको, इंग्लिश तो हिंदी में कैसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉर्न द गवर्नमेंट दैट इवन मेनी पीपल वर लाइकली टू डाई ऑफ एपिडेमिक दैट ऑफ सुनामी। जवाब दे, आंसर ए होगा या आंसर बी होगा या आंसर सी होगा या आंसर डी होगा। शैलेश यादव ने आंसर ए लिख के भेजा है, संज्ञा सुमन ने आंसर ए लिख के भेजा हुआ है, रजत वर्मा ने जवाब ए दिया हुआ है, कार्तिक ने, संध्या ने, वंशिका ने, अमूमन अभी तक जितने जवाब आए हैं उसमें से ज्यादातर बच्चों ने जवाब ए दिया हुआ है। कार्तिक ने, आशीष ने, दीपक ने, दिव्या ने, अंशिका ने, आरती ने, रितेश ने, संध्या ने, रजित राम है, पारुल चौरसिया ने, दीपक गोस्वामी ने, संज्ञा सुमन ने, अंशिका यादव ने, मिस्टर लूसीफर ने जवाब ये दिया हुआ है, कार्तिक सिंह, पारुल चौरसिया, सत्यम, पारुल, अभी तक बच्चों ने जवाब जो दिया, वीरेंद्र ने ए जवाब दिया है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आपका जो जवाब है वो गलत है। अदिति ने भी जवाब ही दिया, बच्चों आपको जान करके हैरानी होगी कि आंसर यहां जो ए है वो गलत है, आंसर यहां ए नहीं होगा। आंसर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस देखिए ना, ये एडजेक्टिव का सवाल आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वार्न किया, चेतावनी दी। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी दी, चेतावनी दी, है ना, या दिया, क्या द गवर्नमेंट सरकार को, क्या कि दैट की इवन मेनी पीपल, यहां तक कि ढेर ज्यादा लोग, वर लाइकली टू डाई, संभावना है मरने की, डाई ऑफ एपिडेमिक्स, महामारियों से, दैट ऑफ द सुनामी, जो सुनामी की तुलना में थे। तो यहां तो कंपैरिजन होने लगा ना, यानी एपिडेमिक से ज्यादा लोग मरेंगे सुनामी की तुलना में, मेरी बात समझना। यहां कहा जा रहा है कि एपिडेमिक से यानी महामारी से, एपिडेमिक मतलब क्या हो गया, महामारी,
महामारी से ज्यादा लोग मरेंगे सुनामी की तुलना में। तो यहां तो कंपैरिजन होने लगा ना, और जब कंपैरिजन होने लगा तो क्या कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, और जब कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए तो यहां तो मोस्ट हो गया, नहीं गलत हो गया, मेनी तो ऑलरेडी गलत है, और नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, तो बचेगा क्या? दैट मोर पीपल वर लाइकली टू डाई, कि ज्यादा लोग मरेंगे एपिडेमिक से किसकी तुलना में, दैट ऑफ द सुनामी, सुनामी की तुलना में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या बन गया यहां पे, सी हो गया, क्लियर है। तो एसएससी है ये, है ना, कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है ना। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा यहां पे सी, है ना। क्या है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉर्न द गवर्नमेंट दैट इवन मेनी पीपल वर लाइकली टू डाई, नहीं इवन मेनी तो हो ही नहीं सकता, बल्कि क्या हो जाएगा, मोर पीपल वर लाइकली टू डाई, ज्यादा लोगों के मरने की संभावना है एपिडेमिक से किसकी तुलना में, सुनामी की तुलना में, है ना। दीपक, रितेश, शैलेश, पारुल, संध्या, शैलेश, अंशिका, संज्ञा, वंशिका, दृश्य मौर्य, है ना बच्चों। तो ये दिमाग में अपने बात जो है ना फिट रखना है ना। तो दैट मोर पीपल वर लाइकली टू डाई, है ना। तो अब देखो एक पॉइंट और आपको यहां पे ध्यान में रखना है, ये सब तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो डाई ऑफ समथिंग, किसी की वजह से मरना, है ना, सुनील भारती, रजित राम, है ना। देखो क्या कहानी है, एक पॉइंट और समझो, डाई के साथ डाई ऑफ, ध्यान में रखना बात, डाई ऑफ एपिडेमिक्स, है ना, ये फ्रेज आता है, तो इसको भी अपने दिमाग में जो है ना वो फिट रखना है, डाई ऑफ समथिंग। हाँ तो रजत वर्मा ने कहा कि सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, अब तो आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है, तो मैं सोच रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को लास्ट में मैं कराऊंगा, पहले आप लोग जो है वो अभी क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद फिर, है ना, पहले ये करिए। मैं कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन उसके पहले, है ना, कॉम्प्रिहेंशन के पहले मैं आप चाहता हूं कि आप लोग ये सवाल जो है ना वो करें। 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। लिखा है कि द फेस्टिवल एक्सपेंसेस आर बाउंड टू डैश इन माई पॉकेट, 27 नंबर क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन सबसे लास्ट में कराऊंगा, ढेर सारा टाइम लेकर के, ठीक है। द फेस्टिवल एक्सपेंसेस आर बाउंड टू डैश इन माई पॉकेट, बी अप फ्रंट, बी आउट ऑफ द ब्लू, मेक अ डेंट, गिव अ क्लीन चिट। जवाब दे। सर आई एम लेट नरेंद्र पटेल, नहीं बेटा बिल्कुल लेट नहीं है, एक ही क्वेश्चन पढ़ाया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जवाब दे। संज्ञा ने जवाब अ दिया हुआ है, संज्ञा ने क्वेश्चन का जवाब अ दिया हुआ है, एकदम ध्यान से समझिए। लिखा है कि बी अप फ्रंट, बी आउट ऑफ द ब्लू, गिव अ क्लीन चिट, मेक अ डेंट। कार्तिक ने जवाब सी दिया है, आरती ने जवाब सी दिया हुआ है, दीपक गोस्वामी ने जवाब सी दिया हुआ है, आरती ने मेक अ डेंट, वेरी गुड। बच्चों ने जवाब दिया, दक्ष प्रजापति ने ए दिया हुआ जवाब, बाकी बच्चों ने जवाब सी दिया हुआ है, रजत ने, रजित ने, दक्ष ने, संध्या ने, पारुल ने, ऋषांग शेखर ने, और पारुल ने, विपिन ने, सुनील भारतीय ने, मेक अ डेंट। एक्चुअली यहां आंसर सी होना चाहिए, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्यों? द फेस्टिवल एक्सपेंसेस यानी जो त्योहार के खर्चे हैं, फेस्टिवल एक्सपेंसेस हैं, जो त्योहार के खर्चे हैं, आर बाउंड टू, निश्चित रूप से बाध्य करेंगे क्या, मेक अ डेंट, मेक अ डेंट इन माई पॉकेट, मतलब मेरे पॉकेट में जितना पैसा है उसके ऊपर वो भारी जरूर पड़ेंगे, है ना, किसी की मात्रा में कमी कर देना, किसी चीज में, किसी चीज में कमी कर देना, कमी कर देना, मेरे पॉकेट में वो जरूर कमी लाएंगे, है ना। अब देखो एक्सपेंसेस टू डिक्रीज समथिंग, जी किसी चीज में कमी कर देना, ये बनेगा अर्थ, है ना। तो यहां लिखा बी अप फ्रंट, बी आउट ऑफ द ब्लू, देखो ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को, गिव अ क्लीन चिट, इसका जवाब दो जरा, बी आउट ऑफ द ब्लू, जवाब दे। अभी मैंने इडियम और फ्रेजेस में कराया आप लोगों को, है ना, जवाब दीजिए। बी अप, अब बी अप फ्रंट, बी अप फ्रंट का मतलब होता है ईमानदार,
ईमानदार लिख लेना, ये सभी सवाल आए हुए हैं ईमानदार, है ना, ईमानदार। फिर लिखा है बी आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है एकाएक, एकाएक या अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित रूप से या अप्रत्याशित रूप में। फिर लिखा है गिव अ क्लीन चिट, जी गिव अ क्लीन चिट, इसका मतलब होता है बरी कर देना, बरी कर देना, मतलब किसी आरोप प्रत्यारोप से बरी कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार के चारों फ्रेज 200 बार एग्जाम में पूछे गए, आई थिंक 20 से ज्यादा बार ही पूछे गए होंगे। ये पानी पिला देंगे, है ना, बी अ फ्रंट, बी आउट ऑफ द ब्लू, मेक अ डेंट और गिव अ क्लीन चिट। तो बी अ फ्रंट का मतलब होता है ईमानदार, बी आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है एकाएक अप्रत्याशित रूप से, मेक अ डेंट किसी चीज में कमी कर देना, और गिव अ क्लीन चिट बरी कर देना, ठीक है जी। टू मेक समवन फ्री फ्रॉम एलिगेशंस, जी आदर्श तिवारी, खुसरे बाबू, आरती पटेल, रजित राम, अभी द्विवेदी, है ना, वेरी गुड इवनिंग आरती पटेल, दक्ष प्रजापति, शैलेश, वंशिका, आरती, रितु गुप्ता, बहुत सारा गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, है ना। देखो लाइक करने से मत चूकना, कुलश्रेष्ठ पांडे, हाँ बेटा लाइक करने से मत चूकना, लाइक देखना जरूर कर देना, क्योंकि आजकल लाइक की बड़ी लड़ाई चल रही है ना, और हारना नहीं हम लोग को, हम लोग को तो लाइक करवाना है ना ढेर सारा। हाँ तुम लोग लाइक करते हो ना, तो मुझे एकदम चूरा नहीं से लगता है भाई साहब, वाह मजा आ गया इस टाइप का, ठीक है चलो बना लो फटाफट। क्या हो गया, विपिन विश्वकर्मा, है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। अर्चना राव, वेरी गुड इवनिंग, दक्ष प्रजापति, कर दूंगा गुरु जी, चले संज्ञा, है ना, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, मतलब उस पार्ट को पहचानिए जो ग्रामेटिकल एरर कंटेन करता है। इफ द सेंटेंस हैज नो एरर, सेलेक्ट नो एरर, ठीक है ना। यस सर, हम कर दिए, थैंक यू सो मच, लाइक्स शेयर दोनों कर दिए, वाह क्या बात है, आप ही लोगों का परिणाम है ना यार, कि लाइक्स हो जाते हैं, शेयर हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं, है ना। तो लिखा है कि हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन द लॉटरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, कि हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन द लॉटरी, कि कितने पैसे का जो है उन्होंने, लाइक और शेयर दोनों कर चुके हैं, अद्वितीय ने कहा थैंक यू सो मच। बच्चों ने जवाब दिया है 28 आंसर का ए, हाउ मेनी मनी में गलती है, हाउ मेनी मनी में कैसी गलती है भाई, बच्चों ने तो जवाब ए दे दिया है। हाँ मेनी की जगह पर क्या होना चाहिए, मच होना चाहिए, क्या बात है, बहुत सही, क्योंकि मेनी तो काउंटेबल है ना, हमें तो अनकाउंटेबल चाहिए ना। गुड इवनिंग वंदना, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई साहब। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जब मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें क्या चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें चाहिए अनकाउंटेबल डिटर्मिनर। तो मेनी की जगह पर क्या होना चाहिए, मच, है ना। तो मेनी की जगह पर क्या हो जाएगा, मच, हाउ मेनी मनी नहीं, हाउ मच मनी, मतलब कितना पैसा, है ना, कितना पैसा, है ना। डिड सुधीर विन द लॉटरी, कितने पैसे का लॉटरी सुधीर ने जीता, सुधीर सर है नहीं तो मैं पूछते कितना जीत लिया सुधीर गुरु जी, है ना। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, ओके, है ना। तो नो एरर तो गलत है, इन द लॉटरी गलत है, और डिड सुधीर विन ये भी गलत है ना, इसका मतलब सुधीर सर ने कोई पैसा नहीं जीता, क्यों नारायण जी। चलिए आंसर क्या हो गया, ए हो गया, हाउ मच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द सेंटेंस, द सस्पेक्ट मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी, बहुत सही। देखो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया आप लोगों को, मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ समथिंग, मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ समथिंग, जवाब दे बच्चा, मेरे सभी लाडलों जवाब दो, तुम लोग जवाब दीजिए, मजा आ गया। अरे रहते सुधीर सर ना, तब बताता मैं उनसे, तब मैं पूछता कि भैया कितना जीते, कुछ दिए नहीं आप, जवाब दे। रजित ने, वंशिका ने, दीपक ने, कुलश्रेष्ठ ने, पारुल ने, अंशिका ने, सभी बच्चों ने, सुधा ने, वंशिका ने, जवाब दे, बच्चों ने जवाब दिया है सी, और क्या बात है, बहुत सही। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कन्फेस्ड हिज क्राइम, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, बहुत बढ़िया। अब देखे ना, पढ़ने का असर इसको बोलते हैं, अपना अपराध या अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को स्वीकार
कर लेना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया। ब्लेम्ड हिज कंपेनियन नहीं, आस्क फॉर अ फ्रेश शर्ट नहीं, टुक ऑफ हिज शर्ट नहीं, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, कन्फेस इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, कहते हैं ना कन्फेशन, ठीक है, स्वीकार कर लेना। तो आंसर यहां हो जाएगा सी। सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, उसमें कोई गलती नहीं है। बहुत बढ़िया यार, एक्सीलेंट जिसको बोलते हैं, है ना, एक्सीलेंट वाला जॉब आप लोगों ने करा है, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, जवाब दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको पहचानना है कि जेनरस की स्पेलिंग गलत लिखा है, मैलिसियस की स्पेलिंग, विक्टोरियस की या फैलिसियस की। जवाब दे। आरती ने लिखा है कि टू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली अबाउट एनी सीक्रेट। बहुत बढ़िया, जवाब दे, जवाब दे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, किसका होगा जवाब दे। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 30 का आंसर क्या दिया है बच्चों ने? 30 का आंसर दिया है डी नरेंद्र ने। संज्ञा ने जवाब बी दिया है, मैलिसियस। मैलिसियस की स्पेलिंग तो सही है, फैलिसियस की स्पेलिंग से गलत है। हाँ बिल्कुल, आरती ने बिल्कुल सही जवाब दिया, डी होना चाहिए जी। बी आंसर नहीं होगा बच्चों, डी आंसर हो जाएगा, मैलिसियस की स्पेलिंग सही है। हाँ बिल्कुल, आंसर डी होना चाहिए, फैलेसियस, एफ ए डबल एल ए सी आई ओ यू एस होना चाहिए जी। फैलेसियस का मतलब होता है दोषयुक्त। हाँ बिल्कुल, यहां आंसर डी होना चाहिए जी बेटा, फैलेसियस की स्पेलिंग गलत है ना। आप देखेंगे तो इसकी स्पेलिंग होता है एफ ए डबल एल ए सी आई ओ यू एस, इसका मतलब होता है दोषपूर्ण, दोषपूर्ण या दोषयुक्त, या दोषयुक्त, ये अर्थ बनता है, दोषपूर्ण या दोष युक्त बनता है ना। और जेनरस का मतलब होता है उदार, जेनरस का मतलब होता है उदार या विनम्र, उदार या विनम्र। और मैलिसियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, 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 ठीक है। और विक्टोरियस का मतलब होता है विजयी, विक्टोरियस का मतलब होता है विजयी। जवाब दें। प्रतीक्षा चौधरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। दीपक गोस्वामी मिथ्या, हाँ बिल्कुल, आई की जगह ए होगा जी। अदिति, रजित, शैलेश, सुधा, वंदना, है ना बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोगों को अपने दिमाग में ये बात फिट रखनी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहां हो जाएगा जेनरस उदार विनम्र, मैलिसियस मतलब दुर्भावनापूर्ण, विक्टोरियस मतलब विजयी, और फैलिसियस का मतलब होता है दोषपूर्ण या दोषयुक्त। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी शब्द पूछे गए एसएससी में, और लगभग लगभग हर बार पूछे गए, है ना, लगभग लगभग हर बार पूछे गए वर्ड्स, है ना। तो जेनरस हो जाएगा, मैलिसियस हो जाएगा, विक्टोरियस हो जाएगा और फैलिसियस हो जाएगा। क्लियर है? लिखते चलिएगा, लिखना नहीं छूटना चाहिए, लिखना जरूरी है, लिखते चलना है, ठीक है ना, मिस नहीं होना चाहिए, लिखना जरूर है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 31 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा? कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखा है कि रमेश डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग द वोएजिंग ओवर द मेडिटेरियन सी दैट वाटर मॉलिक्यूल्स कुड स्कैटर लाइट जस्ट लाइक एयर मॉलिक्यूल्स वॉज वेरी रेडिकल इन दोज डेज, है ना। जवाब दे। अभिषेक मिश्रा सर, आज CHSL की वैकेंसी डिटेल आ गई, वेरी गुड, हमें टेलीग्राम कर दीजिए बेटा, है ना। अतः आमिर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग चंद्रशेखर जी, है ना। इसका जवाब दीजिए हमें फटाफट कि रमन्स डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग द वोएजिंग ओवर द मेडिटेरियन सी दैट वाटर मॉलिक्यूल्स कुड स्कैटर लाइट जस्ट लाइक एयर मॉलिक्यूल्स वॉज वेरी रेडिकल इन दोज डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपक ने जवाब बी दिया है, संज्ञा ने जवाब बी दिया है, कुलश्रेष्ठ ने भी जवाब दिया है, रजित ने, अंशिका ने, रजत वर्मा ने, सुधा मधेशिया ने, नरेंद्र ने, शैलेश ने, है ना, और बच्चों ने, सभी बच्चों ने जवाब दिया है
बी। बहुत बढ़िया एक्चुअली यार, एक्सीलेंट जिसको बोलते हैं। सुधा, संध्या, दीपक, वंदना, अंशिका, कुलदीप, संज्ञा, दक्ष, अंशिका, कार्तिक, संध्या, दीपक, वंदना, कार्तिक, दक्ष, शैलेश, सुधा, पारुल, कार्तिक, चंद्रशेखर, कुलश्रेष्ठ, अदिति, अंशिका, आरती, संज्ञा, सुमन, है ना, सुधा, कुलदीप, संध्या, रिशांक, अंशिका, वंदना, रजित, पारुल, सभी बच्चों ने एक सुर में जवाब, बबली ने, अंशिका ने, अदिति ने। एक्चुअली देखो ना, इसी को बोलते हैं ना रमन इफेक्ट्स, रमन प्रभाव के नाम से, रमन इफेक्ट्स के नाम से इन्होंने एक खोजी थी बात। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो प्रोसेस है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है ना। तो रमन डिस्कवरी, जो रमन प्रभाव की खोज थी, मेड ड्यूरिंग द वोएजिंग ओवर, नहीं, वोएजिंग अक्रॉस इस पार से उस पार, द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के, दैट वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो जल के कण है, कुड स्कैटर, स्कैटर हो सकते हैं लाइक जस्ट एयर मॉलिक्यूल्स, हवाओं के मॉलिक्यूल के जैसे, वॉज वेरी रेडिकल इन दोज डेज, उन दिनों बहुत ही ज्यादा रेडिकल चेंज का ये प्रभाव था, जिसको रमन इफेक्ट्स कहा जाता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, है ना। 1927 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1927 में इनको शायद नोबेल प्राइज मिला था, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा फिजिक्स के लिए, है ना, 1927 में, है ना, फिजिक्स में था जी। और वोएज का मतलब होता है समुद्र यात्रा, वोएज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा, एक बार चेक कर लेना, शायद 1927 में मिला था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, क्योंकि डेट्स को लेकर के मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ, डेट्स मुझसे याद नहीं होता क्लियर, तो एक बार देख लेना जरा, शायद 1927 में, ठीक है ना। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना कि ये कौन से टाइम की बात है, 1927 है या फिर कोई और टाइम है। ड्यूरिंग आपको पता है वोएज अक्रॉस, है ना, आंसर यहां हो जाएगा बी, ड्यूरिंग अ वोएज अक्रॉस, है ना, द मेडिटेरियन सी, दैट वाटर मॉलिक्यूल्स कुड स्कैटर लाइक लाइट जस्ट लाइक एयर मॉलिक्यूल्स, वॉज वेरी रेडिकल इन दोज डेज। 1930 में था, अच्छा, 1930 में, सॉरी, हाँ, मुझे इतना तो आइडिया था कि इसी के आसपास था, है ना, जी, 1930 था, हाँ 1930 था, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, चलिए, ठीक, धन्यवाद 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 बच्चों, धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट, अगला लिखा हुआ, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अमेच्योर, ऑडियंस, अचीवमेंट या ऑडेसिटी, जवाब दीजिए, 32 नंबर क्वेश्चन जी, जवाब दीजिए, किसका आंसर गड़बड़ है। मुझे तो लग रहा है कि सब सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, अमेच्योर की भी तो स्पेलिंग सही है, AMATEUR सही तो है, अचीवमेंट की भी स्पेलिंग सही है, ACHIEVEMENT, ऑडियंस की भी स्पेलिंग सही है, ऑडेसिटी की भी स्पेलिंग सही है, ऑडेसिटी भी तो सही है, सब सही है यार, इसमें गलत कहीं है ही नहीं है। गलत ही नहीं है इसमें तो, आंसर ही गलत नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। ऑडेसिटी मतलब होता है साहस, साहस, और अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धि। एग्जाम में ना अचीवमेंट की स्पेलिंग पूछा था, गलत है ना। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, है ना, श्रोता, और अमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, शौकिया या अनुभवहीन, 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 ठीक है। एग्जाम में हाँ ऑल करेक्ट है ना, नो एरर होगा इसमें, एक एरर, नन ऑफ दीज या ऑल करेक्ट, है ना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई, ऑल करेक्ट, सभी सही, सुधा, कुलश्रेष्ठ, है ना, नन ऑफ दीज, वंदना, सुधा, दीपक, रजित, दक्ष, वंदना, रेनू, संज्ञा, रेनू यादव, आई एम रेनू यादव, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, है ना। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है ना। देख लो यार, यहां से ही शब्द पूछे जाते हैं, कितनी बार ये आ चुके हैं, अभी जब से हम लोग देख रहे हैं
40-42 जो भी हम लोगों ने सेट पढ़ा है, सब में क्वेश्चन पूछे गए, लगभग लगभग सब में पूछे गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक दो बार इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि पढ़ते रहना है ना, एग्जाम तो होने ही वाला है, ठीक है। और इस बार जो है ना, इस बार छोड़ना नहीं यार, इस बार नौकरी ले ही लेना है ना। 25 में 25 क्वेश्चन अपने सही होने चाहिए। देखो वर्ड पावर पे भी काम कर रहे हैं हम लोग, ग्रामर पे भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, मतलब एक सी में, एक समुद्र में, और स्ट्रेच ऑफ वाटर या पानी के बड़े हिस्से में हैविंग मेनी आइलैंड्स, कई छोटे छोटे द्वीप समूह का होना है ना, कई द्वीपों का होना। जब किसी वाटर बॉडी के अंदर कई छोटे छोटे द्वीप होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? रजत वर्मा अब की बार CHSL पर, बिल्कुल सर 4276 पोस्ट है, बहुत बढ़िया। अरे बहुत होता है यार, 4276 पोस्ट में हम लोग कितने लड़के होंगे? लगभग हम लोग जितना पढ़ रहे होंगे उनकी संख्या लगभग 250 के आसपास होगी, 250 के आसपास। क्या इतना पोस्ट हम लोग सिक्योर नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, हो गया और क्या करना है ना। असी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स, ओशियन होगा, हार्बर होगा, बे होगा या आर्किपेलागो होगा? डी होगा ना, बिल्कुल। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह है ना। ओशियन का मतलब क्या होता है? सागर, सागर है ना। और हार्बर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, बंदरगाह है ना। और बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी, बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी। ओशियन मतलब सागर, हार्बर मतलब बंदरगाह, बे का मतलब होता है खाड़ी, और आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह। बन गया, GTU से भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। श्योर सर SSC का फोर्ट डिस्ट्रॉय करना है? हाँ, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है यार, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। SSC की कहानी खत्म करने के लिए बस एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं, ठीक है ना। बबली ने भी जवाब दिया है कि आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स है ना, जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स हो उनको क्या बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लिया ना, सारे ऑप्शंस लिखते हुए चलेंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एजुकेटर्स हैव डैश यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एजुकेटर्स यानी जो शिक्षक हैं हैव डैश यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सबसे महत्वपूर्ण, एक अनोखी जिम्मेदारी टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स, उनके छात्रों के सशक्तिकरण की तरफ। जवाब दें 34 नंबर क्वेश्चन में जवाब दें कि एजुकेटर्स हैव डैश यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। 34 का आंसर हो जाएगा ए, बहुत बढ़िया। दक्ष ने, वंदना ने, नरेंद्र ने, संज्ञा ने, वंशिका ने, सुधा ने, चंद्रशेखर ने, दक्ष ने, संज्ञा ने, वंशिका ने, अंशिका ने, दीपक ने, वंदना ने, सुधा ने, ऋषांक ने, रजत ने, अंशिका ने, कार्तिक ने, दक्ष ने, वंशिका ने, सुधा ने, चंद्रशेखर ने, पारुल ने, दीपक ने, दक्ष ने, कार्तिक ने, अंशिका ने, वंदना ने, पारुल ने, दक्ष ने, सुधा ने, चंद्रशेखर ने, वंशिका ने, संज्ञा ने, सभी बच्चों ने एक लाइन में, एक सुर में जवाब दिया है कि सर जी यहां जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक बात कि जब हम लोग यूनिक शब्द लिखते हैं तो यूनिक के पहले डिटरमिनर हम क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। तो हो जाएगा एजुकेटर्स का मतलब होता है शिक्षक, एजुकेटर्स मतलब क्या होता है? शिक्षक है ना। हैव मतलब शिक्षकों के पास होता है क्या? अ मतलब एक यूनिक मतलब विशिष्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी टुवर्ड्स किसकी ओर? द एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, सशक्ति, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण ऑफ किसका? दियर स्टूडेंट्स, उनके छात्रों का। दियर स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया? उनके छात्रों का। शिक्षकों के पास अपने छात्रों के सशक्तिकरण के लिए एक अनोखी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट दीपक, बहुत बढ़िया।
यूनिक में इसका प्रोनाउंसिएशन रजित देखो ना जरा ध्यान से, सी नहीं हो सकता, सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या हो रहा है, य हो रहा है, यूनिक हो रहा है, और जब यूनिक हो रहा है तो प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अह के बीच में होगा तब हम एन लगाएंगे, लेकिन यहां तो य हो रहा है और जब य हो रहा है तो हम लगा ही नहीं सकते। जैसे यूनिवर्सिटी आप देखो ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या लगाओगे, ए लगाओगे कि एन लगाओगे, ए लगाओगे, ए इसलिए लगाओगे क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन का खेल हो गया। अरे बात समझ में ना जी, तो ऐसे सिचुएशन में यहां सी आंसर जो है वो नहीं होएगा, ठीक है, क्लियर है, आंसर ही होगा ए। चलो गुड, लिख लो इसको, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, है ना, टुवर्ड्स है प्रीपोजिशन के ओर, के तरफ, के लिए, है ना, टुवर्ड्स का मतलब होता है के ओर, के तरफ या के लिए, तो ये बन जाएगा यहां पे टुवर्ड्स और फिर यूनिक। दूसरा सवाल लिखा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत शब्द लिखा है उसे पहचाने। जवाब दें, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड इल्यूमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, हेल्यूसिनेशन या इंटीमेशन, मुझे लगता है इसको भी गलत कर दिया होगा। जवाब दीजिए, जवाब दे बच्चों, लिख चुके हैं ना, बहुत बढ़िया, इसलिए मैं हटा दिया, जल्दी से फटाफट बताइए जवाब दें। इसमें भी एक आंसर देख लो, इसमें भी एक आंसर जोड़ लो, ऑल करेक्ट, अंकित भैया ने ना सारे के सारे क्वेश्चंस को सही कर दिए। जवाब दे, डी इंटीमेशन की स्पेलिंग गलत है क्या, इंटीमेशन की स्पेलिंग गलत है क्या, आई एन टी आई एम ए टी आई ओ एन, सही तो है, सब सही है भाई, इंटीमेशन का मतलब होता सूचना। अर्चना, कार्तिक, कुलश्रेष्ठ, विपिन, दक्ष, दीपक, कार्तिक, वंशिका, दक्ष, प्रशांत कुमार, है ना, रितेश पांडे, रजित, हाँ सब सही है भाई, सारे सही है इसमें, ऑल करेक्ट है, कोई गलत ही नहीं है इसमें, विपिन, दीपक, सुधा, वंशिका, आरती, अदिति, रजित, रितेश, है ना, सुनील, भैया इसमें कहाँ कोई गलती नहीं है। देखो इसमें पहला वर्ड लिखा इल्यूमिनेशन, है ना, फिर लिखा हेलुसिनेशन, सब सही है इसमें, कुलश्रेष्ठ, विपिन, सुधा, है ना बच्चों, सब सही है इसमें, डिस्क्रिमिनेशन सही है इसमें, एक्चुअली क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेशन का आंसर दिया था, डिस्क्रिमिनेशन में गलती जानते हो कैसे कर देते हैं, यहां पे जैसे एम के बाद आई लिखा नहीं, इस आई को छोड़ देते हैं सब, और जब इस आई को छोड़ देते हैं तो एक क्वेश्चन बन जाता है ना, तो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाशित, इसका मतलब होता है प्रकाशित, है ना, या इसको बोलते हैं प्रकाश युक्त, प्रकाश युक्त इसका अर्थ होता है प्रकाश युक्त, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, भेदभाव, हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, मैंने आप लोगों को लिखवाया है ना भ्रम, हेल्यूसिनेशन वर्ड मैंने पढ़ाया कि नहीं, अभी मैं सिनोनिम एंटोनिम में इसको कराया था, हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, जो भूत प्रेत के भ्रम से संबंधित हो, भूत प्रेत के भ्रम से संबंधित, के भ्रम से संबंधित, ठीक है ना। आगे इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना या प्रेषण होता है, सूचना या संप्रेषण से संबंधित है, संप्रेषण, सूचना या संप्रेषण से संबंधित होता है इंटीमेशन, ठीक है ना, ऑटो करेक्ट हो जाता है कभी कभी, जी वही वही बिल्कुल जी, दृष्टि भ्रम होता है जी, रितेश, संज्ञा, अंशिका, वंदना, आदिति, रितेश, वंदना, वंशिका, वंदना, पारुल चौरसिया, है ना बच्चों, तो आंसर हो जाएगा यहां पे ई जी, माया, हेलुसिनेशन, जी बिल्कुल, है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया, रेनु यादव, वंदना सिंह, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू सो मच। अभिषेक दुबे ने कहा सर आज क्लास नहीं कर पाऊंगा, घर से आ रहा हूं, कोई बात नहीं अभिषेक, है ना, कोई बात नहीं बाबू, है ना, चलिए थैंक यू सो मच वंदना, है ना, ये बन गया, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ई, ऑल करेक्ट, लिख लीजिएगा, देखिए सभी शब्द महत्वपूर्ण है और हम लोग इतना तो कह ही सकते हैं यार ना कि इसी में से आएगा, आप सीएचएसएल का पेपर जब दे के आएंगे ना बाबू, तो आपको
इस बात का एहसास होगा कि यार हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ठीक पढ़ा था, वो गड़बड़ नहीं था। और बस इतनी सी बात आपके मुंह से निकल जाए कि नहीं सर जो हमने पढ़ा था वो था, तो उसके बाद फिर क्या पूछना है? उसके बाद तो ये हो जाएगा कि नहीं यार काम तो अपना बन गया है ना, बस थोड़े से मेहनत की और जरूरत है, उतना अगर कर लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन लिखा है, ऑल द पीपल इन द कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, मतलब एक क्षेत्र के सभी नागरिक लोग, सभी निवासी, या एक देश के सभी निवासी जिन्हें वोट देने का हक है, किसमें? इलेक्शन में। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इलेक्टोरेट होता है ना, निर्वाचक गण। जी बेटा, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निर्वाचक गण। जी जी जी, आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इलेक्टोरेट का मतलब होता है निर्वाचक वर्ग, निर्वाचक या निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, है ना। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग इलेक्टोरेट है ना, निर्वाचक मंडल। जी, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, है ना, जो मूल निवासी होते हैं प्राय, है ना, जो वहां पे रहते हैं, इनहैबिटेंट्स, जितने लोग वहां पे मूल रूप से जो निवासी होते हैं, जो रहते हैं। रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी या आवासी, जिसको कहते हैं ना, आवास जिनका होता है, आवासीय, है ना, रेजिडेंस, है ना, आवासीय। और सेटलर्स का मतलब होता है प्रस्थापित, मतलब जो वहां आ करके सेटल हो गए हैं, मतलब वहां के रहने वाले नहीं है, मूल निवासी नहीं है, लेकिन वहां आ करके रहने लगे हैं, वो सेटलर्स होते हैं। ठीक है जी, निर्वाचन क्षेत्र। अंशकान है, 2 दिन बाद मेरे घर में शादी है, बहुत सही, तब तो मिठाई मिलेगा भाई, क्या बात है। इलेक्टोरेट मतलब होता है निर्वाचक मंडल या निर्वाचक समूह, है ना। अब देखो यहां इंटाइटल्ड के साथ क्या लगता है, इंटाइटल्ड के साथ लगता है टू, इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड टू, इंटाइटल्ड के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, इंटाइटल्ड टू, है ना, इंटाइटल्ड टू, है ना, इंटाइटल्ड टू, किसी पढ़ाया है मैंने ये भी न्यूज पेपर वाली क्लास में, इंटाइटल्ड के साथ टू, देख लो हमेशा से बनता आ रहा है ये एग्जाम में, इंटाइटल्ड टू, योग्य होना, हकदार होना, है ना, योग्य होना, हकदार होना, है ना, एंटाइटल के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। जी, एंटाइटल्ड टू, एक बात ध्यान रखना, 200 बार सवाल बना है और फिर से बनेगा, है ना, तो इस पे नजर अपनी जो है ना वो बनाए रखिएगा। ठीक है, नरेंद्र ने कहा व्हाइट वाला रसगुल्ला मिले, हाँ यार मजा आ जाएगा, वाह क्या बात है, लेकिन यार सर दर्द कर रहा है, सर्दी हुआ है, नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन बाद, है ना, 2 दिन में तो ठीक हो जाऊंगा, है ना। के हकदार, जी बहुत बढ़िया। इनहैबिटेंट्स की भी स्पेलिंग देख लेना, सवाल पूछा गया है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अनामिका, नरेंद्र मैं भी हूं, बहुत सही। अब देखिए धीरे 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 जो है ना वो कंपटीटर सब रसगुल्ले के बढ़ेंगे। अंशिका एकदम चोरी से देना बेटा, है ना। रितेश पांडे ने कहा रसगुल्ला व्हाइट ही होता है, भाई बहुत सही एकदम। अंशिका देख ले बहना, एकदम चुपके से देना, ठीक है, किसी को पता ना चले। हाँ बता देना कि देख भाई मैं ले आई हूं और देख ना लेंगे सब। वंशिका ने, सर ने आज मिस कर दिया मिठाई, ओहो वंशिका तू कल ले आना बहना, कोई बात नहीं, देखना ना। अब इन लोगों को बता दिया, देखो अब ये लोग ना धावा बोलेंगे, सर मुझे भी सर्दी है इस टाइम, हाँ यार थोड़ी दिक्कत है। वंशिका देखो ना, इस बार ये लोग हमला करेंगे सब, बचे रहना इन लोगों से, है ना। अब देखो तुम्हारी जान पहचान भी बढ़ गई है ना, इसलिए ये सब डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन तुम्हारा भाई जिंदा, अभी टेंशन मत लो तुम, है ना, तुम सिर्फ हमको देना। अच्छा कि शादी, कल शादी में गए थे चुरा कर लाए हैं, अच्छा बहुत सही, है ना।
नहीं मन करेगा खाने को तुमको, अरे बाप रे बाप, ना ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कितना बुखार होगा कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ ओके सर कर लाऊंगी चुपके से। हाँ ये हुई ना बात, ये सही बात है, ये मेरी एकदम सही वाली बहन है। हम भी हैं वंशिका से बहुत सही रजत। अरे 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 कोई नहीं, जानते नहीं कौन हो तुम, डोंट वरी। रजत कौन है आप, मैं नहीं पहचानता आपको भाई साहब। चलो एकदम सही बात है, हम भी हैं दक्ष प्रजा। बहुत सही, मैं कह रहा हूं ना आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है सुधीर पटेल का। कौन से कम स्वीट खाए। अच्छा, ये बात है, ये कहानी है। मुझे भी चाहिए सर, नहीं तो रोऊंगा। अरे बाप रे बाप, हम भी हैं सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मिठाई का प्लान कैंसिल। अब ऐसा कुछ होता है मैं नहीं जानता, मैं भी आ जाऊंगा। बहुत सही सर, मेरे को भी देना प्लीज। अरे बाप रे, निशांत शेखर, अरे भाई धोखा दे दिए सर। ओहो मैं तो जानता ही नहीं कौन है। नो नो आई आई डोंट नो कौन भाई साहब। है ना, मेरा एक दोस्त था, है भी, जैसे कभी मान लो उसको फोन कर, भाई रे थोड़ा पैसा चाहिए था 500 देना। क्या भैया कौन बोल रहे हैं आप, मैं पहचान नहीं पाया आपको। नहीं सुधा, तब तक खानी चाहिए जब तक मन ना भर जाए। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, एकदम सही बात, ये हुई ना बात। सर मुझे भी अर्चना, बहुत सचिन सेठ, हाय सर। अब देखिए सचिन भी कह रहे हैं हाय सर, मिठाई की बात है, हाय सर। नो नो कोई बात नहीं, मिलना तो सबको चाहिए। हाँ यार हक तो सबका बनता है। मिठाई के नाम पर सबको सर भूल जाते हैं, वाह। सर वही रह जाते जो कुंभ के मेले में खो गया था। हाँ वही है, मैं चाहता हूँ फिर से खो जाए, मिठाई खाने खत्म होने के बाद वापस आए। हाँ अच्छा, why don't you know, sir? I am your student. अच्छा, कोई बात नहीं, अब मैं पहचान गया, कम टू द पॉइंट, ठीक है ओके नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जरा इसका आंसर बताओ फटाफट। तो क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अलूफ, ALOF। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है इससे भी कई बार एग्जाम में सवाल बने हैं और एक बार फिर से ये सीपीओ के पेपर में पहुंचा है, अलूफ, ALOF, अलूफ। जवाब दें, ALOF, अलूफ, जवाब दें। नरेंद्र ने इसका जवाब दिया है बी, स्टीडी। एक बार और ध्यान से समझ के नरेंद्र जवाब दीजिए। संज्ञा ने भी जवाब बी दे दिया है, चंद्रशेखर ने भी बी जवाब दिया है, आरती पटेल ने जवाब सी दिया हुआ है, वंदना ने भी जवाब बी दिया हुआ है। बहुत सही बेटा, जवाब बी नहीं होगा, आंसर सी होगा इसका, क्योंकि अलूफ का मतलब होता है अलग, और जब अलग की हम बात करेंगे तो आंसर होगा सी। बिल्कुल सही बात है, आंसर यहां होगा सी, क्योंकि अलूफ का मतलब होता है अलग थलग, है ना, तो डिटैच का भी मतलब होता है अलग किया हुआ, है ना जी, है ना, क्योंकि स्टडी का मतलब होता है स्थिर, रॉकी का मतलब होता है चट्टान, है ना, और प्रोटेक्टेड का मतलब होता है सुरक्षित या संरक्षित, है ना, तो आंसर हो जाएगा यहां पे सी, क्योंकि अलूफ का मतलब होता है अलग अलग, है ना, और यहां डिटैच्ड का मतलब होता है पृथक पृथक या अलग किया हुआ, अलग किया हुआ, अलग अलग किया हुआ, अलग किया हुआ। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है संरक्षित संरक्षित, है ना, स्टडी का मतलब होता है स्थिर, है ना, और रॉकी का मतलब होता है चट्टान, चट्टान से संबंधित, चट्टान से संबंधित, लिख लीजिए चट्टान से संबंधित, अलग थलग जी। हाँ कार्तिक बिल्कुल सर, हम गांव में हैं, इलाहाबाद नहीं आ सकता सर, ऑनलाइन मैं स्टडी कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 2018 में मेरे स्टूडेंट थे, हाँ बाबू निश्चित तौर पर आप स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी मामले में ऑफलाइन से कमजोर नहीं है, बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का है। हाँ बशर्ते ये होता है कि बच्चे कभी कभी कंटिन्यूटी जो है ना अपनी मिस कर देते हैं, बस इतनी सी प्रॉब्लम है और कोई दूसरा रीजन नहीं।
तो अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो फिर आपको कभी परेशानी नहीं होने वाली, है ना। तो ये रहा एलूफ, है ना। अगर एलूफ का कोई आप लोगों को सिनोनिम आईडिया है तो हमें बताएं जरा, एलूफ का सिनोनिम बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो हमें बताएं एलूफ का, है ना, एलूफ का, ALLOF का सिनोनिम हमें बताएं, एलूफ का सिनोनिम बताइए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, एलूफ का सिनोनिम बताएं, एलूफ का सिनोनिम बताएं। वंदना, रजित राम, कुलश्रेष्ठ, अंशिका, दीपक, रजत, ब्रेक, बिल्कुल डिस्टेंट, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट, बिल्कुल सेपरेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और बताएं, और बताएं बच्चों, और सिनोनिम बताएं इसको, डिफरेंट, सेपरेट, बहुत बढ़िया, डिफरेंट होता है, ठीक है। सेपरेट होता है, और बताएं, ब्रेक होता है, डिस्टेंट होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। डिस्टेंट होता है, ठीक है। और बताइए, डिपार्चर होता है, बहुत बढ़िया, हाँ डिपार्चर होता है, गुड, डिपार्चर होता है, और बताएं, अनअप्रोचेबल होता है, हेट्रोजीनस होता है, ब्रेक होता है, सेपरेट होता है, डिपार्चर होता है, डेविएट होता है, अनएसोसिएटेड होता है, बहुत बढ़िया, रिमोट होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रिमोट भी होता है, जी क्वेश्चन बना है आरती, वेरी गुड बेटा, रिमोट भी होता है, जी रिमोट भी होता है, और बताएं, अनरिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेकअप होता है, रिमोट होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और बताएं, एक आध दो वर्ड और बताएं, हेट्रोजीनस होता है, अलग, जी बिल्कुल, जवाब दे बच्चों, अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव भी बिल्कुल हो सकता है, जवाब दें, बहुत बढ़िया, अनबेंडिंग, ठीक है, गुड। अब देखना जरा इसका अर्थ समझने की कोशिश करना, है ना, लिखा डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न या अलग, लिख लेना, यहां जगह नहीं तो मैं लिख देता, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न या अलग, सेपरेट का मतलब होता है किसी चीज से अलग या सुरक्षित, ब्रेक का मतलब होता है अलग होना, टूट जाना या रुक जाना, डिस्टेंस का मतलब होता है दूर, इसका मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर, जाना फार अवे, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, यानी किसी चीज से अलगाव, और रिमोट का भी मतलब होता है दूर, दूर या सुदूर, दूर या सुदूर, इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, सभी वर्ड जो है ना सिनोनिम में इसको लिख लेंगे, वंदना ने लिख दिया हुआ है ब्रेक, डिस्टेंट, डिफरेंट, सेपरेटेड, डिपार्चर, सेपरेट, एबनॉर्मल, अनअप्रोचेबल, हेट्रोजीनस, रिमोट और अनरिस्पॉन्सिव, बहुत बढ़िया, अनफ्रेंडली, इम्पर्सनल, विदड्रॉ, अनफ्रेंडली, बिल्कुल बहुत बढ़िया, और एक वर्ड इसमें डिटैच होता है वो तो आपको पता ही पता है, तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जी बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड, स्टेप भी उसमें शामिल होता है, गुड, एक्सीलेंट जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, 38 नंबर क्वेश्चन में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम आपको पहचानना है शब्द का, डिस्कार्ड का एंटोनिम आपको पहचानना है बच्चों, डिस्कार्ड का एंटोनिम, जवाब दे, वंशिका ने जवाब सी दिया हुआ है, कुलश्रेष्ठ ने भी जवाब सी दिया हुआ है, कुलश्रेष्ठ ने भी जवाब सी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, सुधा ने भी जवाब सी दिया, संध्या ने जवाब सी दिया, वंशिका ने, अदिति ने, रजित राम ने, सुधा ने, वंदना ने, अंशिका ने, कुलश्रेष्ठ ने, वंशिका ने, विश्व, अदिति ने, बिल्कुल सुधा ने, संध्या ने, कार्तिक ने, कुलश्रेष्ठ ने, अंशिका ने, रजत ने, वंशिका ने, सुधा ने, कार्तिक ने, रजत ने, आरती ने, सचिन सेठ ने, सुधा ने, रजत ने, विपिन ने, चंद्रशेखर ने, अदिति ने, बबली ने, वंदना ने, कोई बात नहीं वंदना बेटा, अभिषेक ने, अंशिका ने, अदिति ने, रजत ने, कार्तिक ने, सुधा ने, आरती ने,
वंदना ने, विपिन ने, बबली ने, चंद्रशेखर ने, अंशिका ने, विपिन ने, वंशिका ने, रितेश ने, रजित ने, बहुत बढ़िया। आकाश कुमार सोनी ने भी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। मनु राजपूत ने, वंदना ने, अर्चना ने, नरेंद्र ने, मनु राजपूत ने, रजित राम ने, बहुत बढ़िया यार, एक्सीलेंट जिसको बोलते हैं ना, एक्सीलेंट जवाब दिया है आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज को दूर फेंक देना या अलग कर देना, यही मतलब होता है ना डिस्कार्ड का, अस्वीकार कर देना एक्सेप्ट करने से, है ना, डिस्कार्ड कर देना किसी चीज को, छोड़ देना, है ना। और अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना, स्वीकार कर लेना, क्लियर होगी बात। तो डिस्कार्ड का मतलब होता है अलग कर देना, अलग कर देना, है ना, या फेंक देना या बाहर कर देना, फेंक देना या बाहर कर देना, बाहर कर देना, यही अर्थ बनेगा। अब आगे देखो तो क्या हो जाएगा, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार कर लेना। अडॉप्ट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, है ना। शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा, हिस्सा या भाग, हिस्सा या भाग। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, वितरण। और वेस्ट का मतलब होता है गंदगी, है ना। जवाब लिख लीजिए, अनामिका ने लिखा हुआ है कि अक्वायर या कीप, गुड। सिद्धार्थ सानी ने आंसर सी दिया, डिस्कार्ड मींस फेंक देना, वेरी गुड। रितेश पांडे ने एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग, वेरी गुड। हाँ, अब जरा इसका कुछ सिनो भेजो तो हमें, दो चार ठो, अक्वायर और कीप के अलावा, अक्वायर और कीप के अलावा दो चार हमें भेजिए, जवाब दें। देखो एक सवाल, जी, डिच होता है। देखो फ्रेज में कुछ क्वेश्चन बने थे, जैसे होता है ना थ्रो अवे, थ्रो अवे, दूर फेंक देना, लिखते चलना थ्रो अवे, बिल्कुल थ्रो अवे का मतलब होता है दूर फेंक देना। थ्रो आउट, बाहर फेंक देना, बिल्कुल थ्रो आउट, है ना। फिर होता है गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, जी, जंक होता है, रिजेक्ट होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। एक जेटिसन भी होता है, जी, जेटिसन भी होता है, जी, डिस्पोज ऑफ, वेरी गुड, डिस्पोज ऑफ, जेटिसन भी होता है, जेटिसन से भी सवाल, जेटिसन जी। कास्ट ऑफ भी होता है, जी, बहुत बढ़िया। थ्रो अवे, थ्रो आउट, गेट रीड ऑफ समथिंग या जेटिसन, है ना, डिस्पोज ऑफ समथिंग, जी, टॉस आउट भी होता है, स्क्रैप भी होता है, गुड, स्क्रैप, एस सी आर ए पी, स्क्रैप, इतना जगह था तो मैंने स्क्रैप यहां पर लिख दिया। अब ये सभी शब्द, एक दो तीन चार पांच, ये पांच शब्द जो है ना डिस्कार्ड के लिए आप लोग लिख लीजिए, गुड, बहुत बढ़िया। अब पहला वर्ड लिखा थ्रो अवे, दूर फेंक देना, थ्रो आउट, बाहर फेंक देना, गेट रिड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना, अर्थ लिख लेना, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना किसी अनचाही चीज से, किसी अनचाही चीज से, है ना, किसी अनचाही चीज से, किसी अनचाही चीज से, किसी अनचाही चीज से। जेटिसन का मतलब होता है फेंक देना, डांट डपट के बाहर कर देना, है ना। स्क्रैप का मतलब भी होता है कूड़ा कबाड़ा बाहर फेंक देना, है ना जी। सोनम ने भी लिख के जवाब दिया, थ्रो अवे और थ्रो आउट, वेरी गुड। रिपुडिएट भी होता है, जी, बहुत बढ़िया जवाब है, एक्सीलेंट जिसको बोलते हैं ना। अबैंडन भी होता है इसमें। और हाँ, अंशिका ने जंक, पार्ट, रिजेक्ट, डिस्पोज ऑफ, जेटिसन, कास्ट ऑफ, ड्रॉप, शेड, डम और स्लग ऑफ, है ना, बहुत बढ़िया। मैं आज एक चीज आप लोगों को एक मिनट में बता देता हूं, इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं, आप लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, वो आपके बड़े काम की चीज बताता हूं। वंदना सिंह ने भी जवाब दिया है बहुत बढ़िया से, टॉस, अडॉप्ट, जंक, गेट रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, स्क्रैप, जेटिसन, ड्रॉप, डिस्पोज ऑफ, शेड, स्क्रैच्ड,
बहुत बढ़िया, स्लॉफ ऑफ और रिपुडिएट, क्या बात है, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार बात बताता हूं जो आपके बहुत हित में होगा, है ना, लेफ्ट अवे, है ना। चलो जानते हो क्या, देखना, लिख लिया इसको ना, लिख लिया हो तो मैं बताऊं, लिख लिया, नहीं लिखा अभी आप लोगों ने, लिख लीजिए फटाफट, फिर बताता हूं मैं। हो गया, गुड, ठीक है, हो गया, गुड। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए, हो सकता है कि मॉर्निंग में एक क्लास मैंने आप लोगों से पहले बता रखी थी कि मॉर्निंग में एक इंग्लिश की क्लास बने, मॉर्निंग में फ्री क्लास बनेगी, टेंशन नहीं, मॉर्निंग में, है ना, इंग्लिश की क्लास, ठीक है ना, मॉर्निंग में इंग्लिश की क्लास बने 8 बजे के आसपास, मैंने आप लोगों से कह रखा था, है ना। और मैं मॉर्निंग में इंग्लिश की क्लास जो है ना, वर्ड पावर में सिर्फ मैं सिनोनिम और एंटोनिम की क्लास लेके मैं आ रहा हूं, सिनोनिम एंड एंटोनिम की क्लास, सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड सेशन मैं लेके आ रहा हूं, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम तो आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए हैं, अब शब्दों के बीच में अंतर जो है वो आपको पढ़ना है, शब्दों और के बीच में। मॉर्निंग की क्लास ये मान के चलिए कि लगभग 8 बजे के आसपास होगी, 8 से, और 8 से 9:30 के आसपास होगी, 8 से 9:30, 8 से 9:30, ठीक है, हमने बोल रखा था पहले, है ना। और ये जो सेशन होगा ये सिनो एंटो का सेशन होगा। सिनो एंटो का सेशन कैसे होगा, इसका जो मैंने डिजाइन बना रखा है वो देखिए कैसे होगा। इसकी कहानी ये होगी, जैसे मान लीजिए हमने इसमें एक वर्ड रखा अबैंडन, है ना, अब अबैंडन के आगे उसकी मीनिंग लिखी होगी, है ना, और मीनिंग के अलावा एक तरफ उसके सिनोनिम वाले वर्ड लिखे होंगे और दूसरी तरफ उसके एंटोनिम वाले वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है। जब सिनोनिम और जी ऑनलाइन होगा बेटा जी, अबैंडन की मीनिंग और उसके नीचे उसके सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम्स, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ प्रीपोजिशन है उसके साथ तो वो प्रीपोजिशन भी यहीं पे लिखा होगा। अब अबैंडन से रिलेटेड जितने भी वर्ड यहां होंगे उन सभी शब्दों का एक दूसरे में अंतर जो है ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सीएचएसएल के न्यू बैच के लिए भी बात होगा, है ना। सर हम लोगों का कोचिंग टाइम जो है ना 9:15 से है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, 9:15 से जो है तो आप लोग शाम को कर लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। आप क्लास अपना मिस मत करिए, अपना क्लास करिए, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ लाइव ही पढ़े, आप 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में करके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना, ठीक है ना। ये पूरे एसएससी का ना ये किला तोड़ने का ही प्लान है मेरा, कि किला टूट जाए, इसका खत्म हो जाए बस, है ना, ठीक है। पैसे तो मैं आप लोगों से कमा लूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ही आप लोगों में से 50 की नौकरी लगी, मान लो अपन 50 करोड़ के आदमी हो गए एक लाइन में, देखो मेरे को पता है बहुत सही से, जिस दिन आप 50 की मैं नौकरी लगवा दूंगा, जिस दिन, मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूं, जिस दिन मैं आप 50 की नौकरी लगवा दूंगा, ये बात मान के चलो मैं उस दिन 50 करोड़ का आदमी हो जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे, आप सोचो ना, आपको डिसाइड करना है कि वो 50 कौन होंगे, आ रही बात समझ में ना, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो ये है इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम, इसका प्रेपोजिशन, साथ ही साथ इसके बीच में जो अंतर है शब्दों के बीच में, वो किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ। और एक दिन में टारगेट होगा कि हम लोगों को 20 वर्ड पढ़ना है 1.5 घंटे में, 20 वर्ड्स, है ना, और मैं 3000 वर्ड का पूरा, है ना, 50 वर्ड का पूरा, मैं सॉरी 50 वर्ड कह रहा हूं, पूरा का पूरा जो 3000 शब्द है, 3000 वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड एसएससी के 3000 शब्द जो है, मोस्ट रिपीटेड एसएससी के 3000 जो वर्ड्स है, मैं वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मोस्ट रिपीटेड एसएससी के जो 3000 शब्द हैं, 3000 जो क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे इस पे, बहुत ही जल्द, है ना, बहुत ही जल्द ये प्लान मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 वर्ड जो है, इन्हीं का सिनोनिम एंटोनिम और प्रीपोजिशंस का मैं फॉर्मूला आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है।
जम के मैं शाम को आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कोई टेंशन की बात है नहीं। बस आपको लग करके इसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है ना। अब ये मान के चलिए हो सकता है कि अगले ट्यूजडे से ये क्लास आप लोगों की शुरू हो जाए, है ना, अगले सोमवार से, अगले सोमवार या मंगलवार से, हो सकता है सोमवार से ही, है ना, या रविवार से। तो लेकिन एक प्रॉब्लम और है, मैंने बताया नहीं आप लोगों को, मेरे पापा की तबीयत खराब है थोड़ी, तो हो सकता है कि मैं संडे को ना रहूं, है ना। तो एक्चुअली पापा मेरे हॉस्पिटलाइज हैं और ऑपरेशन है उनका होने वाला है, तो हो सकता है कि मैं संडे को ना रहूं, क्योंकि मुझे जाना है ना। और सोचिए काम की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं, छोटा भाई है, छोटी बहन है, मेरी मम्मी अकेले हैं, उसके बाद भी क्या करें, जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी ना पूरा करें, या तो मैं घर रह लूं या तो मैं काम कर लूं, तो पूरे दिन में बात भी नहीं हो पाती पापा से, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, है ना। तो हो सकता है कि संडे को मैं ना रहूं, तो संडे को मेरी क्लास ना चल पाए, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, है ना, आप बने रहिएगा बस, है ना, कंटिन्यू। और फिर मैं चला जाऊंगा, तो मैं संडे या मंडे तक मैं आ जाऊंगा, तो मंडे को क्लास में ना मैं ले लूंगा आप लोगों की क्लास, ठीक है। क्या करेंगे, जिम्मेदारी होती है घर की तो करना पड़ेगा, लेकिन यही लगता है ना कि देखो अब सिलेक्शन हो गया होता है, नौकरी लग गई होती तो टेंशन ही होता ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि यार नौकरी ले लो, गवर्नमेंट सर्विस रहती है आप तो कोई दिक्कत नहीं होता ना, ना हॉस्पिटल की प्रॉब्लम होती, ना कहीं किसी जगह की प्रॉब्लम होती। तो मैं क्यों बार बार आपको फोकस करता हूँ कि आपको जॉब करना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए, आपको बार बार मेहनत करने के लिए मैं क्यों प्रेशराइज करता हूँ, यही रीज़न है कि आप जब पढ़ लेंगे थोड़ा अच्छा ना, तो अच्छा हो जाएगा, है ना। यही जीवन में मौका है यार, अगर आप कर लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। खैर, डॉक्टर ने क्या रखा है कि संडे तक होना चाहिए, तो मैं चला जाऊंगा, हो सकता है मैं सैटरडे को ही चला जाऊं, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट है बाबू, पढ़ लीजिए ईमानदारी से, एकदम मन लगा के, तो ठीक है ना, क्या करेंगे ना? तो हाँ सब ठीक होगा, ये पता है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं मिलूंगा, है ना, अभी मैं हूँ सैटरडे तक, तो एटलीस्ट रहूंगा ही फ्राइडे तक, है ना, फिर मैं चला जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, हो सकता है संडे को क्लास में ना ले पाऊँ, या सैटरडे को मैं क्लास ना ले पाऊँ, तो टेंशन ना लीजिएगा, है ना, बने रहिएगा। विवेक सर हैं और अविनाश सर हैं, अपनी टीम है, वो कंटिन्यू रखेगी, है ना। बाकी फिर मैं जैसे ही वापस आऊँगा मैं जुड़ जाऊँगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, थैंक यू सो मच सुधा, वंदना, अनामिका, अंशिका, चंद्रशेखर, आरती, है ना, अनामिका तिवारी, स्माइल करिए सर, दांत चिहाने, ठीक है। चलो तो मैं ये जो है ना वो ये मान के चलिए कि ट्यूजडे से ठीक है, सब अच्छा होगा यार, आप लोग साथ में, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है इतना ज्यादा, तो क्या दिक्कत होगी, है ना, हमारी सेना तो हमारे साथ है ना, ठीक है, ठीक है। तो मुझे पता है कि सब बहुत अच्छा होगा, ये मान के चलिए कि ट्यूजडे के आसपास, है ना, ट्यूजडे से ये जो है ना ये प्रोसेस मैं शुरू कर दूंगा और मैं इसे लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहां क्वेश्चन पे चलते हैं जहां हम लोग पढ़ रहे थे, कौन गया हो आगे यहां पे, है ना, ये अच्छा अभी आगे, ठीक है। तो यहां यहां से हम लोगों को शुरू करना है, ठीक है, हमारे पिताजी बहुत जल्दी ठीक होंगे, थैंक यू, है ना, हाँ बाबू ठीक हो जाएंगे जल्दी से, है ना, चलिए, वी लव यू, हमने कहा ना कि लव यू 1 2 3 4 5 वो सब। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन कि, क्वेश्चन लिखा है कि 39 नंबर, आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट माई डेंटिस्ट बट हर सेल फोन अपीयर टू हैव स्विच्ड ऑफ, अरे I tried to contact my dentist, but her cell phone appeared to have seen switched off.
टू हैव बीन स्विच्ड ऑफ होगा कि टू सीन स्विच्ड ऑफ होगा, है ना? वंशी कह रहे हैं सर वी लव यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट उसके भी पार इनफाइनाइट, है ना, है ना। 90 अंश का मान मान लीजिएगा, उतना उतना वाला प्यार, 90 अंश का मान मान लीजिए। चलिए, नो इंप्रूवमेंट होगा, सीन होगा कि यहां पे बीन होना चाहिए, मेरे हिसाब से यहां बीन होना चाहिए, है ना, सीन नहीं होगा, यहां पे बीन होना चाहिए, है ना, यहां बीन लिख लीजिए यार, है ना, ये बीन है, तभी तो मैं कह रहा हूं सीन कैसे हो सकता है। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट माई डेंटिस्ट बट हर सेल फोन अपियर टू हैव बीन स्विच्ड ऑफ, नो इंप्रूवमेंट होगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, है ना, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कमल वर्मा वेरी गुड इवनिंग बेटा, है ना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट माई डेंटिस्ट, मैं अपने दांत, डेंटिस्ट का मतलब होता है दांत का डॉक्टर, है ना, दांत का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, है ना, मैं अपने दांत के डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट हर सेल फोन, लेकिन उनका जो सेल फोन था अपियर टू हैव बीन स्विच्ड ऑफ, यह समझ में आया कि उनका फोन जो है वो स्विच्ड ऑफ है। क्या बोलता है कि द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ, कॉल यू लेटर, है ना, तो उधर जवाब आएगा बताओ कब करी, कब तक करी वापस, है ना, तो हो जाएगा यहां पे स्विच्ड ऑफ, क्लियर है, बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, यानी फॉर्मल मीटिंग में, एक सामान्य से मीटिंग में जिन मुद्दों पर आपको बात करनी है उन मुद्दों का लिस्ट, जिस एजेंडे पे आपको बात करनी है मीटिंग में उसका लिस्ट क्या होगा। सर आपकी चाची जी लिखा हुआ है कि अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट नॉर्मल मीटिंग, है ना, मतलब जिस एजेंडे पे मीटिंग में बात करनी है उसे क्या बोलेंगे, टॉपिक्स बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे, अरे एजेंडा तो ऑलरेडी है, टाइम टेबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एजेंडा, बहुत बढ़िया। टॉपिक्स मतलब क्या होता है, क्लियर है, क्या होता क्या बताई दी आप लोगों ने, है ना, टॉपिक्स विषय हो गया, प्रोग्राम कार्यक्रम हो गया, टाइम टेबल समय सारणी हो गया, एजेंडा कार्यसूची हो गया, है ना, बहुत बढ़िया। तो एजेंडा को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य सूची, है ना। प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, कार्यक्रम। टॉपिक्स का मतलब हो गया सूची, जिसको बोलते हैं ना टॉपिक्स, विषय। टाइम टेबल का मतलब क्या हो गया, समय सारणी, है ना। आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है, बिल्कुल कार्य सूची जी। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया ये, है ना, चलिए बनाते रहिए इसको, है ना, ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, ये तो आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको इस वर्ड का सिनोनिम खोजना है ना, और सिनोनिम देखना है क्या है इसका सिनोनिम। ओपिनियन का सिनोनिम क्या होगा, व्यू होगा, विजडम होगा, चांस होगा या सेंस होगा, आसान सा सवाल है। ओपिनियन का सिनोनिम खोजना है बच्चों, ओपिनियन का सिनोनिम, ओपिनियन का सिनोनिम खोजना है बाबू। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बोलते ना सुधा, अजय, आई लव यू सर, लव यू टू यार, भाई ऑफलाइन क्लास में नहीं बोल सकते, लेकिन यहां तो बोल सकता हूं ना, नहीं तुम लोग पकड़ लोगे तो फिर ठीक है, इसीलिए तो मैं ऑफलाइन में नहीं बोलता, है ना, ऑनलाइन में बोल सकता हूं, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, बस दूर रहेंगे, हाँ हंसते रहेंगे, ठीक है। चलो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो एकदम आसान है ना, बाबू वाला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। ओपिनियन मतलब होता है विचार, है ना, और व्यू का भी मतलब क्या होता है, विचार, ठीक है, या नजरिया, है ना। चलिए विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता, बुद्धि
लक्ष्मता, चांस का मतलब क्या होता है अवसर, सेंस का मतलब क्या होता है समझ। यस सर, बाबू ही बोला करिए, बहुत सही जी, बनाते चलिए। दृश्य बाबू वाला क्वेश्चन बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा बट ऑफलाइन में मिलेंगे तो सर आप। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं तुम लोगों की कहानी नालायक हो। चलो चलो, क्या हो गया? व्यू विचार, नजरिया, विजडम, बुद्धिमत्ता, चांस, अवसर, है ना, सेंस मतलब समझ। ओपिनियन का सिनोनिम बताओ जरा, तो ओपिनियन का सिनोनिम बताओ भैया, जवाब दीजिए। तुम लोग सब लोग ना एकदम खतरनाक आदमी हो, मैं समझ रहा हूं तुम लोगों का, मैं समझ गया हूं, समझ गया मैं। तुम लोगों का ना मैं मोटिव समझता हूं बिल्कुल, है ना, मैं बाबू नहीं हूं, ये बात समझ लेना, है ना। चलो जवाब दो। थॉट हो गया, आइडिया हो गया, स्टीम हो गया, व्यू आइडिया, बहुत बढ़िया। नालायका, हाँ, अपूर्व, सॉरी अप्रूव, सजेशंस, बहुत बढ़िया, थॉट, थिंक, बिलीफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो आसान है, इसका तो आप लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। हाँ बिलीव हो गया, थॉट हो गया, बिलीफ हो गया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना इतना आसान है ना कि आप लोग इसको कर ही जाओगे बिल्कुल। जजमेंट होता है, आइडिया, व्यू, थॉट, स्टीम, थिंक, वेरी गुड, जजमेंट, माइंड। दीपक ने लिखा हुआ है, आरती ने लिखा है, सुधा ने लिखा है, कमल ने लिखा है, रजत ने लिखा है, आशुतोष ने लिखा है, तो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है ये। हाँ एकदम, माइंड, आउटलुक, जी, बिलीव, जजमेंट, प्रज्ञा मणि त्रिपाठी, एकदम, मतलब इतना आसान है ना कि कुछ आप करने की जरूरत ही नहीं है। एस्टिमेशन, हाँ बिल्कुल, इतना आसान है कि आप अपने आप ही कर जाओगे, मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कन्विक्शन, जी बिल्कुल, कन्विक्शन पूछा गया शब्द है, ठीक है। माइंड का मतलब होता है विचार करना, एक माइंड का मतलब होता है बुरा मान जाना, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 41 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक में द वाइब्रेशंस फ्रॉम माइंड, सॉरी विंड इंस्ट्रूमेंट्स डैश ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड डैश योर ब्रीदिंग एंड हेल्थ। बहुत बढ़िया, दो यहां पे फिलर हैं और दोनों फिलर को आपको फिल करना है। अब जवाब हमें आंसर के रूप में दीजिए, आंसर दीजिए हमें फटाफट बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि द वाइब्रेशंस फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट्स डैश ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड डैश योर ब्रीदिंग एंड हेल्थ, बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का वंशिका ने जवाब सबसे पहले बी दिया हुआ है, वंशिका ने जवाब इसमें सबसे पहले बी दिया हुआ है, आर होना चाहिए और फॉर होना चाहिए। कुबेर राज, रजत वर्मा, कुलश्रेष्ठ, वंशिका, अंशिका, नरेंद्र, सुधा, वंशिका, संध्या, बबली, अदिति, अंशिका, दीपक, वंशिका, कुलश्रेष्ठ, सुधा, कार्तिक, कमल, अंशिका, आरती, रजित, वंदना, कृष्णा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रज्ञा, बबली, कृष्णा, दीपक, अंशिका, चंद्रशेखर, कार्तिक, वंदना, रितेश, कार्तिक, अदिति, रजित, कार्तिक, कमल, वीरेंद्र, अदिति, दीपक, रजित राम, वीरेंद्र सिंह, सभी बच्चों ने एक लाइन में जवाब दिया है कि द वाइब्रेशंस फ्रॉम विंड। आप देख रहे हो ना, प्रीपोजिशन है, विंड है, और इसके पहले ये जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है ना, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, है ना, और ये विंड इंस्ट्रूमेंट जो लिखा हुआ है ये तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता है। सब्जेक्ट कौन से नंबर में? प्लूरल नंबर में। जब प्लूरल नंबर में, तो आपको पता है कि यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में तो इज और वाज कट जाएगा, बचा कौन? आर और वर बचा है, ठीक है। फिर देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड, गुड फॉर समथिंग, तो यहाँ फॉर लगेगा, और जब फॉर लगेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर लगेगा तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, क्लियर हो जाएगा। गुड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए अच्छा, गुड, गुड फॉर समथिंग, गुड फॉर समथिंग, तो गुड के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन फॉर लगता है, गुड फॉर समथिंग, जैसे कहते हैं ना गुड फॉर नथिंग, किसी चीज के लिए भी अच्छा ना होना, है ना।
और गुड फॉर समथिंग किसी चीज के लिए अच्छा होना, तो गुड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर लगेगा, बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले में हो जाएगा आर और दूसरे में हो जाएगा फॉर, एकदम इजी। ओके कोई बात नहीं, है ना, गुड फॉर समथिंग किसी चीज के लिए अच्छा होना, गुड, ठीक है ना, किसी चीज के लिए अच्छा होना, है ना। लेकिन जब सब्जेक्ट की बात आ जाएगी तो अलग चीज हो जाएगा, मैंने पढ़ा रखा हुआ है ना। कोई बच्चा जब मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में कमजोर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, या अच्छा होता है तो क्या बोलते हैं, गुड एट समथिंग या गुड इन समथिंग, जवाब दीजिए। जैसे कोई स्टूडेंट मान लीजिए किसी विषय में अच्छा है, जैसे मोहित इज गुड डैश मैथमेटिक्स, तो गुड एट मैथमेटिक्स या गुड इन मैथमेटिक्स, जवाब दें, गुड एट मैथमेटिक्स या गुड इन मैथमेटिक्स, जवाब दें, पढ़ा रखा मैंने। जवाब दें, एकदम ध्यान से सोच करके जवाब, गलत हो गया ना फिर देख लीजिएगा। 43rd नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 43rd नंबर लिखा है अवेयर। अवेयर का क्या देना है आपको, एंटोनिम आपको पहचानना है अवेयर का। अवेयर का आपको एंटोनिम लगाना है कि अवेयर का एंटोनिम क्या होगा, इम्प्रीवियस होगा, सॉरी इम्परवियस होगा, इग्नोरेंट होगा, रोबस्ट होगा, रेजिलियंट होगा, अवेयर का जवाब दे बच्चों फटाफट। अवेयर का, अवेयर का आंसर बच्चों ने जवाब बी दिया हुआ है, एंटोनिम दिया है बच्चों ने जवाब बी के रूप में, बी होगा, इग्नोरेंट होना चाहिए बच्चों ने बताया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा बी, हाँ वेरी गुड। क्यों, क्योंकि अवेयर का मतलब होता है सावधान, है ना, अवेयर का मतलब क्या होता है, अवेयर का मतलब होता है सावधान या जागरूक, सावधान या, सावधान या जागरूक, यही अर्थ होता है सावधान या जागरूक। और इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अनभिज्ञ, जिसको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है उसको बोलते हैं अनभिज्ञ। इंपरवियस का मतलब होता है अभेद्य, अभेद्य, मतलब जिसको भेदा न जा सके, अभेद्य। रोबस्ट का मतलब होता है विशाल, विशाल और ताकतवर, विशाल और ताकतवर, विशाल और ताकतवर। और रिजिलियंट का मतलब होता है लचीला, रिजिलियंट का मतलब होता है लचीला, है ना। अब जवाब दीजिए, हाँ चलो दे तो दिया है, गुड एट इंग्लिश एंड बैड एट मैथमेटिक्स, गुड, चलो ठीक है, कम से कम तुम लोगों ने ठीक तो करा है। ओब्लिवियस और इग्नोरेंट, जी बहुत बढ़िया अनामिका, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा। जवाब दीजिए, अवेयर का आपने बता दिया आंसर बी, अब अवेयर का कुछ सिनोनिम बताइए हमें, अवेयर के कुछ सिनोनिम समय बताएं बच्चों, अवेयर का सिनोनिम बताइए, सावधान और जागरूक का सिनोनिम बताएं बच्चों, अलाइव होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अलाइव होता है, जी अवेयर का क्या होता है, अलाइव होता है, जागरूक, जीवित, सजग, सचेत, अलर्ट होता है, बहुत बढ़िया, चौकन्ना या सावधान, बहुत बढ़िया, एप्रिसिएटिव ठीक होता है, केयरफुली, एप्रिहेंसिव होता है, नॉलेज होता है, वाइज होता है, नॉलेज होता है, वेरी गुड, नॉलेज होता है, ठीक है, अलाइव होता है, वाइज होता है, बहुत बढ़िया, KNOWLEDG, सही, वाइज होता है, ठीक है, केयरफुली अलर्ट होता है, माइंडफुल होता है, बहुत बढ़िया, माइंडफुल होता है, माइंडफुल होता है ना, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सभी शब्द आप लोग लगभग लगभग जानते हैं, तो आपको इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको आराम से निपटा लेंगे, है ना।
आप इसको इजिली टैकल कर लेंगे, इसको इजिली हैंडल कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, बहुत आसानी से आप निपटा लेंगे इसको, लिख लीजिए फटाफट। अवेयर के एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंट, और अलाइव हो जाएगा अलर्ट हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा वाइज हो जाएगा, और माइंडफुल हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, कॉग्निजेंट। हाँ बिल्कुल, कॉग्निजेंट भी होता है जी, ठीक है ना, सेंसिबल होता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट जिसको बोलता है, ठीक है ना, तो आप लोगों को एक्सीलेंट मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम की आपको मीनिंग पहचाननी है, क्या मीनिंग है? लिखा है कि कम रेन और शाइन, है ना, कम रेन और शाइन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इन बैड वेदर, खराब मौसम में, इन द मानसून, मानसून में, व्हेन इट डज नॉट रेन, ऐसा टाइम जब बरसात ना हो, व्हाट एवर हैपेंस, कुछ भी हो, जवाब है ऑब्वियसली अलाइव, अप्रिसिएट, अलर्ट। वंदना ने बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, इसका जवाब दे 44 नंबर क्वेश्चन का। कम रेन और शाइन, जवाब दें, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आदिति, संध्या, अनामिका, दीपक, आशुतोष, वंशिका, आरती, रजत, वासिफ, अली खान, वासिफ, बहुत बढ़िया यार, वेल वेल, बहुत सारा वेलकम है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, गुड, व्हाट एवर हैपेंस, ठीक है ना, कुछ भी हो, कम और सॉरी कम रेन और शाइन, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, इसको बोलते हैं कोई भी मौसम हो, है ना, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, व्हाट एवर हैपन्स, कुछ भी हो, है ना, हम जैसे हैं वैसे ही, है ना, ये स्थिति है, व्हाट एवर हैपन्स, कुछ भी हो, कम रेन और शाइन, बरसात हो या धूप निकले, कोई भी मौसम हो, है ना, ये अर्थ बनता है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे आंसर हो जाएगा डी, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया क्या? अभी अपने पास टाइम है 7 मिनट, और 7 मिनट में हम लोग इसको जो है कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, वो हम लोग इसको निपटा लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोगों से नहीं, ये तो हम लोग कर लिए थे, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन जो है हम लोगों का वो अभी बाकी है, कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों को इसका खत्म कर। अरे क्या हो जा रहा है भाई यार, जैसे टाइम कम होता है ना, कुछ ऐसे उल्टा सीधा होने लगता है, जल्दी का काम शैतान का होता है ना, वही वाला। लो ये आ गया कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, लिखा है कि इमेजिनेशन इज नॉट ओनली द यूनिकली ह्यूमन कैपेसिटी टू इनविजन दैट विच इज नॉट एंड देयर फॉर द फाउंडेशन ऑफ ऑल इन्वेंशन एंड इनोवेशन इन डैश आर्ग्यूएबली मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव डैश रिलेवेटरी कैपेसिटी इट इज डैश पावर दैट इनेबल्स अस टू डैश विथ ह्यूमंस दोज एक्सपीरियंस वी हैव डैश शेयर्ड। थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं इसको, आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, सही है, लो कर दिया बड़ा, अब देखो जरा। चलो बड़ा कर दिया ना, अब देखना मैं पेपर निकाल लूं कि कौन से क्वेश्चन का सही क्वेश्चन तो नहीं है कि गलत है। देखो सही है बिल्कुल, ठीक है, लिखा है कि इमेजिनेशन एक्सपीरियंस के बाद, यहां वी कट गया है, यहां थोड़ा सा कट गया, सॉरी, रुको रुको बच्चा रुको, थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लेना, है ना, सही है, क्या बात है, मैं भी मास्टर हो गया भाई, क्या बात है, हल्के मत लीजिएगा नारायण जी हमको। चलिए अभी फिर से कट गया क्या? नहीं, उसमें कैमरे की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ है, कैमरा इधर हो गया, थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा, कर देंगे क्या? टाइम चला जाएगा भाई यार, विवेक भैया देखिए कह दिया ना कि टाइम हो गया,
पढ़ा ले 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद, आ जाओ भाई 2 मिनट यार। विवेक आ जाओ भैया, बच्चे कब से पूछ रहे हैं, आ तो जाओ एक बार, आ जाओ यार, आ जाओ। गायब कहाँ रहते हैं यार, आप ही गायब रहते हैं वहां, वो कहाँ गायब रहते हैं। आइए, इतनी शिकायत कर रहे हैं बच्चों के सामने, बच्चे भी तो जवाब देंगे ना। रुक जाओ भाई यार, थोड़ा बात ही कर लिया जाए भाई विवेक भाई से। आ जाओ, देखो ईद का चांद हुआ है भाई मेरा, देख लो ये, देखो ईद का चांद हुआ है भाई, कितने दिन के अरे बाद मिलता है ना, देख लो, देख लिया। देखो वादा किया भाई ने मिठाई खिलाने का, अब बताओ तुम लोग खाओगे कि नहीं खाओगे, पक्का ना? जो सबसे, वाह, देखो जो सबसे महंगी वाली मिठाई है वही कमेंट करना। आजकल पैसे तो प्राइवेट बात बता रहा हूँ, बताना नहीं किसी को, तुम प्राइवेट वाली बात बता रहा हूँ भाई, बहुत सारा खा, इसलिए इससे थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं हम लोग, बस खाने के जुगाड़ में हम लोग लग रहते हैं। देखिए सर मिठाई जरूर, सर यस सर, हाँ सर, आप बचो, आप बताओ। नहीं, बच्चों भाई बिल्कुल मिठाई खिलाया जाएगा ये सर, है ना सर, पास बिल्कुल बिल्कुल खा ली दीजिए भाई। देखिए क्या, कौन सा मिठाई खाना है आप लोगों को बताइए। है यस सर, खाएंगे। देखिए रजत ने लिखा है, कुलश्रेष्ठ ने लिखा है, कार्तिक ने, राम को सर गोला पर दो चांद, गलत हो रहा भैया गलत। बताइए वादा करिए खिलाऊंगा लोग, भाई, वादा कर रहा हूँ खिलाऊंगा, आप लोग आराम से पहले पढ़िए तो, देख लीजिए मतलब और कि अपने काजू बैच के की बारे में बता बर्फी। दीजिए, नहीं सीएचएसएल वाला जो मैथ्स का प्लान कर रहे हैं वो बताइए। आप बताए हैं ना नहीं आप भी तो बता दीजिए। गली गली में आज कहा निकला है में अच्छा। आज चार निकला, वाह नितेश ने कितनी बढ़िया बात लिखी है ना, बहुत मुश्किल है भाई साहब को बुलाना, व्हाइट वाला रसगुल्ला बोल दिया उसने। विवेक सर मिठाई 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 मिठाई। हाँ बिल्कुल मिठाई मिलेगा भाई, आप लोग घबराइए मत, मिठाई मिलेगा ठीक है। ऑनलाइन ही खिलाएंगे क्या सर, बबली ने पूछ ना भाई मिठाई के ऊपर, हाँ लिया। देखिए कार्ड दिखा देता है जो सर, पहले इनविटेशन तो दे देगा भाई, देख लीजिए बबली ने एकदम सही जुगाड़ एक बता दी, इनविटेशन दिखाओ पहले बच्चों को, इनविटेशन है भाई देखिए, है आ जाना ना। आप लोग इस गेस्ट हाउस में देख ठीक है। लो, देख लो बाबू बना दिए ना, बाबू बना दिए ना भाई ने। बाबू बना दिए हाँ भाई। हाँ काजू की बर्फी सब मिलेगा, राहुल सर जो है करवा देगा आपको। देखो अब भाई फंस गया भाई अब, है ना नारायण जी, आप चलेंगे ना, बहुत सही। और तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को बताया नहीं, भाई की शादी होने वाली है, विवेक भाई की शादी होने वाली है, तो सबका इनविटेशन है भाई, है ना, मैं बता दूंगा कहाँ कैसे पहुंचना है, सब एकदम बढ़िया बढ़िया पहन के पहुंच जाना, जम के नाचेंगे हम लोग। नहीं नैनी में शादी है भाई, देखो जगह भी बता दी है, नैनी में शादी है, एकदम जम के नाचना है, पहला कार्यक्रम है भाई की शादी है भाई, जम के नाचना है। ये पता चल जाए कि जिसकी बारात आई थी बड़ा खतरनाक आदमी था, है ना, इतने लोंडे आए थे कि मत पूछो, खूब नाचना है जम के हम लोग को, है ना, एकदम गर्दा मचा देना नाच के, ठीक है ना, हम लोग भी चलेंगे, एकदम सही बात है, सबको हम लिया चलेंगे, ये तो रहेगा नहीं, हम चलेंगे ना लिया के, ठीक है, बताएंगे हम नागिन वाला डांस, बहुत सही। अब देख लो बकरा हलाल होने वाला है, टेंशन ना लो। अरे यार हमारी शादी कहाँ पर है, उसे बता दीजिए, मैं तो कुछ मौन होना जरूर आ जाऊंगा ठीक है। ठीक है चलो। ओहो सर दर्द लगा कर रहे यार हंसते हंसते, चलो ठीक है यार, अब तो कॉम्प्रिहेंशन कल ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, मजा आ गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा, हम है ना, टेंशन ना लो, हम है एकदम, हाँ एकदम नागिन डांस करेंगे हम लोग, एकदम टेंशन ना लेना, ये पता चल जाएगा देखो ना कि किसी की ब्याह हुई थी, ठीक है। चलो आज तो यार बस आगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि अब रोकना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया, कल जो है हम लोग इसको निपटा लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, ओके। और बहुत जल्द मॉर्निंग में भी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स की भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसा भी होगा हम और विवेक सर जो है वीडियो बना करके आप लोगों को पूरी जानकारी शेयर कर देंगे, ठीक है ना जी, है ना, हाँ 52 गज के दामन पर डांस होगा, वो टेंशन मत लीजिए, 52 54 56 कौनों गज का दामन होगा, नाच हो जाएगा अरे भाई दामन जी। ठीक पड़ा तो नाम वाला दामन करेंगे। है ना, ओके ठीक है भाई, बंद कर दीजिए नारायण, ठीक है बच्चा, पढ़ेंगे क्या बच्चे सब, नौकरी लेने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए।